हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड बंद हो जाए आपके कुछ गलती के कारण। स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल द बेस्ट आइडिया फॉर इन्वेस्टमेंट में। सही है दोस्तों, अगर आपका कुछ गलती है इसमें तो म्यूचुअल फंड आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि 2023 में सेबी ने नया रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है, हो सकता है आपको पता भी ना हो। तो दोस्तों इसी के बारे में आपको मैं आज जानकारी देने वाला हूँ। लीजिए आज पूरा अपडेट म्यूचुअल फंड का 2023 में सेबी ने जो जो रूल्स लाए हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के लिए। आपका वर्षों का सपना टूट भी सकता है अगर आपने आपके म्यूचुअल फंड को अपडेट नहीं किए। कुछ इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों जो सिर्फ अपडेट में रह जाता है, पेपर में रह जाता है, लेकिन किसी को पता भी नहीं होता। तो दोस्तों ये जो रूल्स बनाता है वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। दोस्तों अगर आपका म्यूचुअल फंड 3 महीने का किस्त मिस हो जाता है किसी कारण से, तो दोस्तों आपका म्यूचुअल फंड डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा। आपको कोई नोटिफिकेशन ईमेल कुछ नहीं आएगा दोस्तों, सीधा बंद हो जाएगा। और इसलिए कभी भी किस्त मिस मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने नॉमिनी ऐड नहीं किए हैं आपके म्यूचुअल फंड में, तो दोस्तों ये काम सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए म्यूचुअल फंड आपका खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड जल्दी ऐड करा लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आगे जानते हैं। अगर आपने अभी तक आपके इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो दोस्तों आपका भाई के एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सिर्फ एक बार, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि आपका भाई ने एक वीडियो दिया है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है वो आप खुद करा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो म्यूचुअल फंड और बैंक अकाउंट को लिंक करा लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड अभी डायरेक्ट बैंक से पैसा डेबिट होगा, आपके डीमैट अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। तो दोस्तों वो आप खुद भी करा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो बात है दोस्तों, वो आप खुद करा सकते हो। आप अपना डीमैट अकाउंट में जाइए, लॉगिन कीजिए, म्यूचुअल फंड में जाइए और सीधा उसमें ऐड करा लीजिए बैंक अकाउंट से आपका म्यूचुअल फंड को, ताकि वो अपना आप पैसा कट सके। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, सभी को आप एक एक करके हर कंपनी में जाके, मतलब क्रोम ब्राउज़र में जाके आप एक बार सबको लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा क्या सबका डाटा ठीक है, क्योंकि सबके कंपनी के अंदर आपको जाना पड़ेगा। आप डीमैट अकाउंट में नहीं जाएंगे, आप सब क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, अलग अलग चेक करेंगे सबको। तो दोस्तों जब आप क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, उस कंपनी में जाएंगे, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे आपका जो टोटल यूनिट है वो सही है, चेक कर लीजिएगा। और आपका फुल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड और आपका जो जो डाटा है वो आप एक बार सही से चेक कर लीजिएगा। आपका पैन कार्ड नंबर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उसमें जो आपका क्रोम ब्राउज़र में आप जब खोलेंगे, तो उसमें नॉमिनी डिटेल फुल दिख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन, सब कुछ, ये सब आपको अच्छे से चेक करना पड़ता है। अगर इसमें कहीं भी गलती निकलेगा, आपको जो म्यूचुअल फंड का जो मेच्योरिटी होगा उसमें दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, चाहे आप कितने भी कर पा जमा रखे हो। अगर म्यूचुअल फंड का प्रीमियम किसी कारण से आपके बैंक अकाउंट से नहीं कट पाता है, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फाइन देने का ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रखा है। एक म्यूचुअल फंड के लिए कम से कम 500 से 700 रुपये तक फाइन हो जाता है दोस्तों, पेनल्टी लग जाता है। इसी का मैं अभी आपको एक लाइव वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, ये देख लीजिए। जो मेरा डीमैट अकाउंट है, किसी कारण से मेरा म्यूचुअल फंड का 3-4 प्रीमियम मिस हुआ था, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन जब मैं चेक किया उसको, फिर मैं पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया है, उस टाइम डाल दिया था मैंने, लेकिन एक डेढ़ महीने बाद उसी का मुझे फाइन देना पड़ा। कम से कम 3,000 से 3,200 रुपये मुझे फाइन दिया 5 म्यूचुअल फंड के लिए। बताइए दोस्तों, आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। अब उसी टाइम पैसा नहीं कटेगा, एक डेढ़ महीने बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा उसका, और वो आपके अकाउंट से सीधा डेबिट हो जाएगा जो चार्ज कटेगा दोस्तों। आप सतर्क हो जाए दोस्तों इस कारण से। ये देखिए जो मेरा चार्ज कट कर गया दोस्तों अकाउंट से, 650, 590, 650 फुल चार्ज दोस्तों लिया है मेरे से, पेनल्टी दिया है मुझे तक राइक 3,500 रुपये का कम से कम। अगर अभी तक आपने म्यूचुअल फंड को अपडेट नहीं कराया ना दोस्तों, तो जल्द से जल्द अपडेट करा लीजिएगा, नहीं तो आपका सपना टूट भी सकता है। जो आपने सपना देख रहे थे अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, फ्यूचर के लिए सिक्योर होने का, वो दोस्तों टूट भी सकता है। और मैं ये भाई नहीं चाहता कि अभी आपका सपना टूट जाए। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छा लगता है ना, तो आप इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।